अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में। और इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो कि बहुत चटपटी और मसालेदार होती हैं, और साथ ही साथ उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ सूचना भी मिलती है, कुछ ना कुछ खबरें भी आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। और आज भी मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी खबरें लेकर के जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही चटपटी हैं, बहुत ही मसालेदार हैं, और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ काफ़ी पसंद आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूँ कि आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि आप लोग मजे लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर एक खबरें सुन सकें और हर एक खबरों के बारे में, हर एक स्टार्स के बारे में जान सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, और जो अपनी पहली खबर है वो है काजल राघवानी जी से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि काजल राघवानी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी हीरोइन कही जाती हैं और सबसे ज़्यादा क्यूट है वो। और सबसे बड़ी बात ये है उनमें कि वो हर किसी के साथ बहुत फ्रेंक रहती है, अपने फैंस के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपने स्टेज पे हो या फिर वो किसी सेट पर हो, किसी फिल्म के सेट पर हो या फिर किसी गाने में हो या फिर किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ हो, वो हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार बना कर रखती हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनसे उनका कोई पहले का रिश्ता नहीं है या फिर वो पहले उनसे कभी मिले नहीं हैं। और यही बात काजल राघवानी ये कुछ निकल कर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें आप लोगों को कि जो खेसारी लाल की आने वाली फिल्म है दबंग सरकार, उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काजल राघवानी जी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। आप लोग भी सुनिए जरा क्या बयान दिया है उन्होंने, आप लोग हमारी रिपोर्ट में सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म दबंग सरकार में काजल राघवानी ने दो गानों पर जबरदस्त डांस किया है। हालांकि इस फिल्म में वो खेसारी लाल यादव के साथ लीड रोल में तो नजर नहीं आ रही, उनके डांस को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि इसी बात को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर ये है कि काजल के डांस को लेकर फिल्म के डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। और उनका कहना ये है कि काजल एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा है और उनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। और उनकी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि वो सेट पर सभी लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहती हैं और हर किसी के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ उनके कोरियोग्राफर ने भी कहा कि उनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है और वो किसी भी डांस स्टेप को बहुत जल्दी कर लेती हैं जिससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो ऑल टाइम कूल माइंड रहती हैं। इन बातों को सुनकर तो ये अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि काजल रील ही नहीं रियल लाइफ में भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि फिल्म दबंग सरकार के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कितनी बड़ाई की है काजल की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है योगेश राज जो हैं उनका डायरेक्टर का जो नाम है योगेश राज मिश्रा जी, उन्होंने कितनी बड़ाई की है काजल राघवानी जी की, कहा है कि ये हर एक स्टेप को एक बार में ही पकड़ लेती हैं और डांस में भी नंबर वन हो चुकी हैं काजल राघवानी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले उन्होंने जिम में काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाया था, काफ़ी मेहनत करी थी अपनी बॉडी को बनाने के लिए और काफ़ी अच्छी खासी शेप आ गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि काजल और खेसारी की जो जोड़ी है उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसीलिए जब खेसारी लाल यादव जी ने अपनी बॉडी बिल्कुल फिट बना ली है जो कि आप संघर्ष फिल्म के पोस्टर में देख ही रहे हैं, तो फिर काजल राघवानी जी पीछे कैसे रह सकती हैं। उन्होंने भी अपनी बॉडी जबरदस्त बना ली और वो इस बार हर एक हीरोइन को टक्कर दे रही हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड की हीरोइनों को भी अपनी बॉडी शेप से टक्कर दे रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि योगेश राज मिश्रा जी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई की काजल राघवानी जी की, और ये भी कहा कि काजल राघवानी जी एक्टिंग हो या डांस हो या स्टेज शो हो, कहीं पर भी एक ही बार में सारे स्टेप्स पकड़ लेती हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देती हैं। उनका ज़्यादातर परफॉर्मेंस एक बार में ही शूट हो जाता है जिससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं होती उनका प्रोग्राम शूट करने में, और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिभावान कलाकार हैं। तो चलिए, काजल राघवानी जी को ये बढ़ाई रही। और अगली जो खबर है वो खबर है हमारी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी एक बहुत ही खास फिल्म जो बन रही है, यानी कि अब उसका ट्रेलर भी आ चुका है, बन क्या रही है ट्रेलर भी कब का आ चुका है और काफ़ी लोगों ने देख भी लिया है। और बता दूं इस फिल्म का जो नाम है वो नाम है नचनिया। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार में और पूर्वांचल में और लगभग पूरे यूपी बिहार में ही और भारत में भी अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा
कि नचनिया उसको कहा जाता है जो जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो औरतों के कपड़े पहन के डांस करते हैं और शादी ब्याह वगैरह में उन लोगों को बुलाया जाता है। और बिहार में और पूर्वांचल में इस चीज़ का ज़्यादा प्रचलन है, जिसको लौंडा डांस कहा जाता है। और शादी ब्याह के मौके पर ये डांस ज़रूर होता है और हर कोई देखता है, हर कोई देखता भी है, मज़े भी लेता है, हर कोई खुश भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर उन लोगों की कोई बड़ाई कर दी जाए या फिर उन लोगों को थोड़ा सा भी कोई मोटिवेट करने की कोशिश करे, कोई उनका बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाए, तो वो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता। क्योंकि इस चीज़ को, इस डांस को, इस प्रतिभा को हमारे समाज में, यानी भोजपुरिया समाज में कहा जाए या बिहार में कहा जाए या पूर्वांचल में कहा जाए या फिर कहीं पर भी, इस चीज़ को, इस ये चीज़ किसी को शोभा नहीं देती। ऐसा लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा काम है, जबकि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि डांस भी एक प्रतिभा है और नाच भी एक प्रतिभा है। और सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म से जुड़ी हुई आ रही है वो ये है कि इसका एक गाना है, ऐसे तो सहरिया के नाम बदनाम बा। तो ये जो गाना है, ये गाना काफी ज्यादा चर्चित हो गया है और ये फिल्म भी काफी ज्यादा चर्चित थी। और मानना पड़ेगा इस फिल्म के जो लेखक जी हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। एक ऐसे मुद्दे पर उन्होंने फिल्म बनाई है जिसके तरफ आसानी से किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन वो जो उन्होंने जो ये काम किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। खैर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म का आगाज किया गया था और इस फिल्म के ट्रेलर ने काफी चर्चा भी बटोरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म नचनिया के बारे में, जो कि पूरे यूपी और बिहार में हो रहे नृत्य कलाकारों के साथ अत्याचार पर आधारित है। और लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को काफी ज्यादा पसंद भी किया है। और इस फिल्म से जुड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जिसके बोल हैं ऐसे तो सहरिया के लोग बदनाम बा, जिसमें एक्टर अविनाश द्विवेदी औरतों के भेष में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे यूपी और बिहार में ठेठ भाषा में लौंडा नाच कहा जाता है। बता दें कि ये फिल्म नर्तकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में बनी है और ये पहली ऐसी फिल्म है जो कि एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित है जिसकी तरफ आसानी से किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और ये काबिले तारीफ है एक लेखक के लिए जिसने इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। आजकल भोजपुरी की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस सुभि शर्मा बिजी हैं एक फिल्म की शूटिंग में और इस फिल्म का नाम निरहुआ हिंदुस्तानी 3 बताया जा रहा है। और इस बात की जानकारी खुद सुभि शर्मा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर फोटो शेयर करके दी। बता दें कि सुभि ने अपने इंस्टा पर जो फोटो शेयर की थी उसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर जानकारी देते हुए ये भी लिखा था, सॉन्ग शूटिंग निरहुआ हिंदुस्तानी 3, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के गानों की शूटिंग चल रही है और जल्दी दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिलेगी। बता दें कि इस फिल्म के लिए सुभि ने जिम में काफी ज्यादा पसीना बहाया है और जमकर मेहनत भी की है, जो कि दर्शकों को फिल्म में देखने को मिलेगा। बता दें कि सुभि भोजपुरी में ही नहीं बल्कि राजस्थानी, मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन उनको असली पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मिली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नचनिया जो है फिल्म काफी ज्यादा काबिले तारीफ है और काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करने वाले हैं। और जो भी हो, ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसको हर किसी को देखना चाहिए। और मैं सच बता दूं तो कोई भी डांस हो या गाना हो या किसी भी तरीके का टैलेंट, वो प्रतिभा होता है, वो इंसान की प्रतिभा होती है जो कि उसके टैलेंट को बढ़ावा देती है और उसको बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि ना कि उसको बिल्कुल ही दबाना चाहिए। और इस जो लौंडा डांस है इसको लोग इंजॉय करते हैं पर अश्लीलता के तौर पर करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और उम्मीद भी यही करते हैं हम लोगों से कि जो इस ये जो डांस है इसको लोग इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन इसको गलत नजरों से ना देखें, क्योंकि ये किसी की मेहनत है और किसी का टैलेंट है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो है
वो है हमारी शुभी शर्मा जी से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि शुभी शर्मा जी भोजपुरी इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाती हैं और अच्छी अच्छी हीरोइनों को टक्कर भी दे चुकी हैं। और उनसे जो जुड़ी खास खबर आ रही है वो ये है कि वो निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की शूटिंग में बिजी हैं और जल्दी आप लोगों के सामने निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपके सामने अदाकारी करती हुई नजर आएंगी और लोग उन्हें उम्मीद करते हैं काफी पसंद भी आएंगे। खैर, आज की जो हमारी गॉसिप्स में जो चटपटी और खास खबरें थी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई वो यही थी। और अगली बार हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे कुछ ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों को लेकर के। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप लोग नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।